हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है आप यहां पे देख पाओगे, ये कंप्लीट जो है ऑटोमोबाइल मोल्ड है। तो ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड की जो है हम कंप्लीट आज डिजाइनिंग करने वाले हैं। आज का जो क्लासेस होंगे, इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप मोल्ड देख पा रहे हो, इस मोल्ड में क्या क्या है। बेसिकली देख पाओगे, यहाँ ऊपर से लगाऊंगा तो यहाँ पे देख पाओगे हॉट रनर मोल्ड है, ये आपको कम्प्लीट हॉट रनर मोल्ड है। तो ये हॉट रनर मैनिफोल्ड है, उसको डिजाइन कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम नोजल्स यूज करते हैं, यहाँ पे जो नोजल है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप इंसुलेटिंग प्लेट देख पा रहे हो, तो इस तरीके से कराऊंगा। यहाँ पे जो आप देख पाओगे, यहाँ जो है कास्टिंग टाइप का प्लेट है। यहाँ कास्टिंग टाइप का प्लेट क्यों लगाते हैं हम, मशीनिंग टाइप का प्लेट क्यों नहीं लगाते। यहाँ पे जैसे कूलिंग देख पा रहे हो, इतना कूलिंग पाइप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे कूलिंग की बॉक्स है, तो कूलिंग बॉक्स हम क्यों लगाते हैं, कहाँ पे कुछ केस में आपको कूलिंग बॉक्स वगैरह लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, हर एक पार्ट जो है स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं। एक एक पार्ट स्टैंडर्ड पार्ट बनाएंगे तो उसकी लाइब्रेरी कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें जैसे हम लोग गेट यूज करते हैं, तो हम जो है गेट यूज कर रहे हैं, कौन सा गेट यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो हम जो गेट यूज कर रहे हैं, हम कौन सा गेट यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे गेट देना पड़ेगा, क्या एक गेट से ये फिलिंग होगा, कितना मुझे यहाँ पे नोजल देना पड़ेगा, मेरा जो कॉम्पोनेंट है, ये जो मेरा कॉम्पोनेंट है, यहाँ पे आप जो कंपोनेंट देख पा रहे हो, इसमें अंडरकट कितना है, किस तरीके से मैं इसको अंडरकट को एनालिसिस करूंगा। जो मैं यहाँ पे जब देख पाओगे ना, इस एरिया में जो लिप्टर लगा रखा हूँ, यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे स्लाइडर है, तो लिप्टर स्लाइडर को कंसीडरेशन कैसे करूंगा। यहाँ पे देख पाओगे, ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत बड़ा लिप्टर लग रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देखोगे ना, इस एरिया में यहाँ पे बहुत बड़ा लिप्टर लग रहा है। कंपोनेंट दिखा देता हूँ, तो कंपोनेंट में बेसिकली है क्या, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, तो ये रियर बम्पर है, तो रियर बम्पर में जो मेरा कंपोनेंट लग रहा है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, यहाँ पे स्लाइडर है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे दो स्लाइडर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे है क्या, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ उसके साथ। देखो यहाँ पे लिप्टर लग रहा है, तो इस एरिया में जो आपका लिप्टर है, तो मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपका लिप्टर है। तो लिप्टर कैसे चल रहा है, और ये जो लिप्टर है, कितना बड़ा लिप्टर यूज कर रखा हूं मैं, तो यहाँ पे आपका स्लाइडर चलेगा। तो कहाँ पे स्लाइडर चलेगा, कहाँ पे लिप्टर चलेगा, इसको कंपोनेंट को पूरा एनालाइज करना पड़ता है आपको। इसको पूरा हम एनालिसिस करेंगे, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो यार लिप्टर के अंदर ना कूलिंग चल रहा है। अब देखोगे लिप्टर के अंदर कूलिंग चलता है, जो लिप्टर की रॉड है ना, उसके अंदर कूलिंग चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे कौन सा टाइप का जो है इजेक्शन यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इजेक्शन जो है अलग टाइप का इजेक्शन हो रखा है, तो आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख पाओगे, जो ये इजेक्शन है, ये जो स्प्रिंग लगा रखा हो, ये अलग टाइप का इजेक्शन हो रखा है। तो इसके बारे में बताऊंगा मैं वीडियो में, कौन से टाइप का हम इजेक्शन यूज कर रहा है, तो इस इजेक्शन से फायदा क्या होगा, किस तरीके से इजेक्शन होती है, जो बम्पर की मोल्ड होती है, इसमें इजेक्शन कौन सा काम आता है, तो ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत कुछ चीजें इसमें समझने वाले हो आप, बहुत कुछ चीजें आपको नया मिलेंगे, तो बहुत कुछ चीजें आप सीखने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी चीजें मिस मत करना, और कुछ चीजें अगर पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी इस तरीके से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नीचे नंबर मेरा मेंटेन है, तो वहां पर जाके आप जो है सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एडवांस लेवल में अगर आपको केटीएम में सीखना है, या आपको सॉलिडॉक्स में सीखना है, या आपको मोल्ड डिजाइन जो है इसमें एनएक्स में सीखना है, तो नंबर मेंशन है, वहां पर जा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम जो कंपोनेंट है, आप देख पाओगे ये जो मेरा कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट में बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कंपोनेंट देख पाओगे, कंपोनेंट में क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको हाईलाइट कर दूं, तो यहाँ पे देखोगे ना, इस एरिया में क्या है, स्लाइडर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं जूम आउट कर सकता हूँ, इस एरिया में जैसे यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना, ये होल्स है, यहाँ पे अंडर कट्स है, तो इस वाली एरिया में आपको लिप्टर चलाना पड़ेगा। इस एरिया में लिप्टर चलेगा, देखोगे यहाँ पे भी होल्स है, तो यहाँ पे भी आपको देख पाओगे, इस एरिया में भी होल्स है, इस एरिया में आपको लिप्टर चलाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरा यहाँ पे ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, ऐसे एरिया होगा, यहाँ पे हो गए, इस केस में हम जो है स्ट्रेट लिप्टर लगाएंगे, मतलब जो होती है हम उसमें स्ट्रेट लिप्टर लगाएंगे, क्योंकि इस एरिया में आपको स्ट्रेट लिप्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एरिया में हम स्ट्रेट लिप्टर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा आपको एक दो जगह में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको स्ट्रेट लिप्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया का जो लिप्टर होंगे, तो ये जो एरिया होंगे आपका, ये जो एरिया होंगे, इस एरिया का जो हम लिप्टर लगाएंगे, मैं इसको अलग से कलर में हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो बड़ा सा आप लिप्टर लगाओगे, तो ये जो बड़ा सा लिप्टर लगाओगे, इस लिप्टर में ही ये पूरा कॉम्पोनेंट निकल जाएगा, लेकिन इस एरिया का जो कॉम्पोनेंट पार्टिंग है यहाँ पे, तो ये नहीं निकल पाएगा, हमको यहाँ पे स्ट्रेट लिप्टर लगाना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लिप्टर होता क्या है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, एक चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात है, जैसे आपको यहाँ पे कॉम्पोनेंट दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कंपोनेंट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो देखोगे यहाँ पे कंपोनेंट में, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको मैं मार्क करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो मेरा लिप्टर का एरिया है ना, ये जो मेरा लिप्टर चल रहा है, यहाँ पे जो मेरा लिप्टर चलेगा, इस लिप्टर की वजह से यहाँ पे मेरा बेसिकली रियर बम्पर है, ठीक है। तो रियर बम्पर में होता क्या है, तो रियर बम्पर में होता क्या है, यहाँ पे मेरा जो है फॉग लाइट नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये रियर बम्पर है। अगर मेरा फ्रंट बम्पर होता है ना, इसके नीचे देखना हमेशा एक फॉग लाइट होता है, तो यहाँ पे देखना इस एरिया में एक फॉग लाइट होता है, राउंड शेप सा एक फॉग लाइट होता है, लेकिन मेरा तो है ये रियर बम्पर। तो अगर मेरा यहाँ पे फ्रंट बम्पर होता, तो यहाँ पे जो ये लिप्टर चलाऊंगा, लिप्टर किस डायरेक्शन में जाएगा, पीछे जाएगा, पीछे जाएगा ना, तो यहाँ पे जो फॉग लाइट का एलिमेंट है ना, वहाँ पे हीट करता। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उस केस में आपको दो लिप्टर लगाना पड़ता है। एक लिप्टर आपका क्या होगा, स्ट्रेट लिप्टर लगेगा,
स्ट्रेट लिफ्टर है उसके ऊपर जो एंगुलर लिफ्टर है ना ये स्लाइड करेगा, एंगुलर लिफ्टर इसके ऊपर स्लाइड करता है। तो ये वाला मैकेनिज्म जो यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये रियर बम्पर है, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो अगर आप ऑटोमोबाइल बम्पर बनाते हो तो उस केस में आपको वो चीजें बनाना ही पड़ता है। तो और एक चीज है जहाँ पे हम ऑटोमोबाइल मूल बनाते हैं, ऑटोमोबाइल मूल की जो बम्पर होती है, कंसोल होती है, इसमें क्या होता है बहुत बड़ा मोल्ड होता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा मोल्ड होता है, डैशबोर्ड वगैरह का जो मोल्ड देखते हो ना बहुत बड़ा मोल्ड है। तो इस तरीके से बड़ा मोल्ड के क्या होते हैं, जो वेट होती है बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी वेट ज्यादा हो जाती है, साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए हम इसकी जो है कास्टिंग टूल बनाते हैं। तो ये जो आप देख पाओगे ना यहाँ पे, आप मैं आपको मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख पाओगे ना, यहाँ पे देखो देखो कास्टिंग के लिए हम ये जो है कास्टिंग का अलग से टूल बनाएंगे, यहाँ पे देख पाओ हम कास्टिंग के लिए अलग तो टूल बनाएंगे। उसको जो है इस हिसाब से बनाना है, पहले जो आप डिजाइन करोगे फिर उसको कास्टिंग में ले जाओगे, फिर उसके हिसाब से जहाँ पे हॉट रनर आएंगे जो एलिमेंट लगेंगे उसको हम रिखाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो बसे के लिए बन जा रहा है ये कास्टिंग टाइप में बनता है, ठीक है। तो ये कास्टिंग टाइप का बनता है, तो ये पूरा आप देख पाओगे, मैं इसको घुमा के दिखा देता हूँ, तो ये आप देखोगे ना ये पूरा कास्टिंग में बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको जो है एक अलग से टूल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक अलग से टूल बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूं और इसको मैं अगर रोटेट कर दूं इसके हिसाब से, मैं अगर नीचे से दिखाऊं, आप नीचे से देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, देखो ये पूरा कास्टिंग का एक अलग से टूल बनेगा। तो ये कंप्लीट जो है इसका जो है कंप्लीट से अलग से एक टूल बनेगा, ये कंप्लीट अलग से डाई बनेगा, यहाँ पे हम प्लेट टाइप में नहीं बनाएंगे। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ पे बड़ा टूल बनता है ना तो वहाँ पे कास्टिंग टाइप का टूल बनता है। अभी आपको शायद प्लेटों में बना रहे हो लेकिन कभी कभी आपको कास्टिंग टाइप में भी काम करना पड़ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हो तो इसको आपको कास्टिंग टाइप का भी काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पे जो मैं इजेक्शन मेथड यूज कर रखा हूँ, यहाँ पे गैस पिन इजेक्शन मेथड यूज कर रखा हूँ। तो ऑटोमोबाइल मोल्ड में जैसे हम बम्पर वगैरह बनाते हैं तो इसमें हम गैस पिन इजेक्शन मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो गैस पिन इजेक्शन मेथड मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना जो आपकी शेयर्स वगैरह होते हैं, जो प्लास्टिक की शेयर बनती है ना, उसमें भी आपकी गैस पिन इंजेक्शन मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे पिन है, ये पिन है ना, तो यहाँ पे स्प्रिंग है, उसके थ्रू जो है यहाँ पे गैस पिन इंजेक्शन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको किसी दिन अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाहर से जो है हम स्लाइडर लगा रखा है, यहाँ पे देखो बाहर से स्लाइडर है, ठीक है, अंडर से लिफ्टर है, तो यहाँ पे भी स्लाइडर है, यहाँ पे भी स्लाइडर है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया था कि स्ट्रेट लिफ्टर लगा रखा हो, ये जो है आपका स्ट्रेट लिफ्टर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, देखो ये जो है आपका स्ट्रेट लिफ्टर, ये स्ट्रेट लिफ्टर है, ये स्ट्रेट लिफ्टर है आपका, ये स्ट्रेट लिफ्टर है, ये आपका स्ट्रेट लिफ्टर है। बेसिकली ये इजेक्शन में काम आएगा क्योंकि इतना बड़ा बम्पर है, यहाँ पे इतना बड़ा सा रिब से ये फंसा हुआ है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लिफ्टर है इसको इजेक्शन में काम आएगा। और इसका इजेक्शन कौन करेगा, इसका जो इजेक्शन करेगा आपका ये करेगा, गैस पिन इजेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये था इसकी इजेक्शन मेथड। तो दोस्तों अगर मैं गेट की बात करूँ तो इस मोल्ड पे हमने जो गेट यूज करा है, किस तरीके से हमने गेट यूज करा है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम करने में आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जूम करके यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ना आप इस तरीके से, अगर आप इसको जूम इन करोगे तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे आपका क्या है, ये एक है, दो है, तीन है, ये चार है, ये पांच है, ये छह है, ये सिक्स नोजल्स है। तो मैनिफोल्ड एक ही होता है, यहाँ पे हम जो है सेम नोजल यूज कर रखा है, तो यहाँ पे सेम नोजल आपका यूज हो रखा है। अब नोजल होगा तो यहाँ से गेट होगा, तो हम तो डायरेक्ट तो कंपनी में दे नहीं पाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे ना जो ग्रीन कलर है ना, ये जो ग्रीन कलर है ये बैटिंग एरिया है आपका, ये जो ग्रीन कलर का देख पा रहे हो ना, ये बैटिंग एरिया, हम 15 से 20 mm जो है यहाँ पे बैटिंग एरिया रख लेंगे। तो यहाँ पे जो गेट से जो है हम एज गेट यूज करेंगे, साइड गेट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलग कोई गेट नहीं यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम गेट नहीं दे सकते, ये नोजल है, हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे साइड गेट देंगे। मैं आपको कोर साइड दिखा रहता हूँ, इसमें आपको समझने में इजी होंगे क्योंकि जो गेट देते हैं हम कोर साइड में देते हैं क्योंकि कैविटी में फंसने का चांस होता है, तो हमेशा जो गेट देते हैं हम कोर साइड में देते हैं। कुछ कुछ केस में आपको कैविटी में भी देना पड़ता है लेकिन 90% जो केसेस होती है हम इसमें कोर में ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जूम करता हूँ ना मैं, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो मेरा गेट आ जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ना, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करने में आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे देखोगे ना, ये जो आप देख पाओगे रेड कलर का जो है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये आप देख पाओगे ना गेट है, ठीक है, गेट है, ठीक है। यहाँ पे नोजल है, जो हॉट रनर की नोजल है, तो यहाँ पे गेट है। और जो गेट यूज कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे मैं जैसे गेट यूज कर रहा हूँ ना, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा गेट यूज कर रहा हूँ, एज गेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गेट यूज करते हैं हम, एज गेट यूज करते हैं। कैसे यूज करा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो ये गेट का जो होता है ना, एक कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको गेट की कैलकुलेशन वगैरह सही है तो आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको अलग से वीडियो सही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, मैं आपको लिए अलग से जो है वीडियो डाल दूँ। तो जैसे हम यहाँ पे कूलिंग यूज करा है, तो आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप कूलिंग देख पाते हो ना, ये कूलिंग का बॉक्स है। तो यहाँ पे कूलिंग की जितने भी मैनिफोल्ड्स है जो यहाँ पे कनेक्टेड थे, यहाँ बॉक्स से जो है प्रॉपर तरीके से कूलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे।
तो यार जो ब्लू कलर का देख रहे हो ये आपका क्या है, कोल्ड वाटर है, और जो रेड कलर के देख रहे हो यहाँ पे हॉट वाटर है। तो यहाँ पे अलग अलग से देख पाओगे, यहाँ पे कूलिंग निपल्स वगैरह लगा रखा हूँ मैं, क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल मोल्ड होती है इसमें आपको लिप्टर में भी कूलिंग देना पड़ता है, स्लाइडर में भी कूलिंग देना पड़ता है, तो प्रॉपर तरीके से आपको कूलिंग का यूज करना पड़ेगा, तो हर एक चीजें में यहाँ पे कूलिंग हो पाए, क्योंकि जो है बहुत बड़ा मोल्ड है, और पहली बात तो यहाँ पे कास्टिंग मोल्ड है, तो यहाँ आपको कूलिंग वगैरह सही तरीके से देना पड़ेगा। तो कूलिंग पाइप वगैरह जब डिजाइन करते हो तो यहाँ पे इनलेट कहाँ पे है, आउटलेट कहाँ पे है, एक एक चीज आपको सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड पार्ट यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देख पाओगे तो मैं यहाँ पे फिंगर कैम कौन सा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं लिमिट स्विच है उसका यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जैसे कोको यूज कर रहा हूँ, लिप्टर का हील यूज कर रहा हूँ, तो सारा चीजें यहाँ पे स्टैंडर्ड में काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक चीजें स्टैंडर्ड में होती है, कुछ कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती है, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड होता है, तो वहाँ पे मैं आपको शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते कुछ चीजें सही है तो वो कुछ कुछ चीजें जो वहाँ पे मैं आपको दे सकता हूँ अलग से, अगर मिसुमी का लाइब्रेरी सही है तो मिसुमी का लाइब्रेरी देता हूँ, हस्को का लाइब्रेरी सही है तो हस्को का लाइब्रेरी देता हूँ, अगर आपको साइको का लिप्टर सही है, उसकी फुटनेस सही है तो उसका भी दे देता हूँ। तो कुछ कुछ चीजें आपको क्लास ज्वाइन करने में ही मिल पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें जो है वैसे आपको अगर मैं इंडिविजुअली नहीं जानता हूँ तो कुछ यूजर आईडी वगैरह पासवर्ड में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड से आप किसी को ठीक है तो उसके बिना तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट वगैरह है अगर किसी चीज को आपको चाहिए तो वहां पे जो है यूजर आईडी पासवर्ड नहीं तो मैं आपको वो कंपोनेंट अवॉइड कर दूंगा कि आपको मुझे सर कहाँ पे मिलेंगे। जैसे अगर मैं लिप्टर में ब्लॉक में कौन सा वाला लिप्टर ब्लॉक लगाया था तो वहां पे मैं किसका लगाया था, तो वहां पे जो है मैं फुटरेस्ट लगाया था, तो वहां पे मैं डीएमई का लगाया था, तो डीएमई का जो होगा वो स्टैंडर्ड आपको मैं दे दूंगा। अगर आप बोलोगे सर मुझे मिसुमी का दे दो, मिसुमी का मैं आपको दूंगा, हस्को का स्टैंडर्ड कैसे यूज करना है वो सिखा दूंगा। बेसिकली ये सारा स्टैंडर्ड में तभी काम कर पाओ जब आप मोल्ड विजार्ड जब काम करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप का लाइब्रेरी मिल जाती है। मोल्ड विजार्ड में जैसे अलग अलग लाइब्रेरी में आप काम करते हो तो उसमें क्या होता है आपको अलग अलग टाइप का स्टैंडर्ड में काम करने के लिए आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर इस टाइप के मोल में जाना है तो आपको मोल्ड विजार्ड लाइब्रेरी वगैरह में काम करना आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इतना असेंबली है ना, क्योंकि बहुत बड़ा असेंबली है ठीक है, तो इतना असेंबली को मैं एक एक पार्ट को आपको खोल खोल के शो कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक पार्ट में खोल के ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में सब चीजें यहाँ पे दिखा नहीं सकते, बहुत बड़ा असेंबली है ठीक है। तो मोल रिजल्ट में कैसा होता है 300-400 असेंबली में आपको काम करना आ जाता है, तो उसमें आपके लिए ईजी हो जाता है ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह तभी यूज कर पाओगे जब आप असेंबली में अच्छा होते हो, तो असेंबली में आपके लिए ईजी हो जाता है, तब आप इस चीजें यूज कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आज का वीडियो में इतना ही था। को भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है नंबर मेंशन दे, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह देते रहता हूँ। अब मैंने ऑटोमोबाइल का भी अलग अलग जो है कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको ऑटोमोबाइल मोल्ड का भी लेक्चर मिल जाएंगे अलग अलग टाइप का, इसी लेवल का अगर मोल्ड सीखना है, वैसे कंपनी लेवल का मोल्ड है, अगर इस लेवल का आपको मोल्ड सीखना है इस लेवल का भी मोल्ड अवेलेबल है, इसके लिए आपको 3 से 3.5 महीना देना पड़ेगा इस तरीके से कंटेंट में। अलग अलग टाइप का मोल्ड है ठीक है, एक एक मोल्ड बनाने में आपको 1.5 से 2 महीना लग जाता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, शेड्यूल देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग जो ये सारा चीज़ आप सीख सकते हो। तो आज का वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।